हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड कटलेट, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। ये मैंने बनाया अपने घर पर और इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। मैंने लिए हैं 4 से 5 ही बॉयल आलू हैं। मैंने इन्हें 1 घंटे पहले बॉयल कर लिया था और अब मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहो तो इसे हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हो, बट हाथों से क्या होता है ना, थोड़े बहुत रह जाता है मोटा कहीं पर। इस तरीके से करने से ना बिल्कुल अच्छा स्मूथ हो जाएगा ये। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, 1 प्याज है बारीक कटी हुई, ये छोटी प्याज है, 1 छोटा टमाटर है बारीक कटा हुआ। और याद रहे टमाटर का जो अंदर का गुदा होता है ना, बीज होता है, वो आपको निकाल देना है। लहसुन है, 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, मैंने इन्हें कूट लिया है। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। और ये मिर्ची है, 1 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ता है, ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। और 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है जो मैंने खास चीज़ बताई है, पिज़्ज़ा सॉस, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये है मेयोनीज, 1 चम्मच। ये दो चीज़ें आप ऐड कर दीजिए, आप मानोगे नहीं, यकीन, इतना टेस्टी बना था ना ये, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये आपने अगर ये चीज़ बना ली कटलेट और आपने जिसको भी खिला दिया वो आपका फ़ैन हो जाएगा। ये देखिए, इसे अब हम कर देंगे साइड में अच्छे से मिक्स करने के बाद। और हम लेंगे मैदा, आप चाहो तो इसे आटे में भी कर सकते हो। इसका घोल घोल तैयार करेंगे हम मैदे का। मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच मैदे का और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल रेडी करेंगे। आपको इसे जैसे आप ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन तैयार करते हो ना, इतना ही हमें इसे रखना है, इस तरीके से, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे बनाना है। इसे हम करेंगे साइड में। और इधर मैंने लिया है एक ब्रेड, ब्रेड के हम कोने काट देंगे। इसी तरीके से ये देखिए जो ब्रेड के जो कोने थे ना, मैंने सारे इसी तरीके से सारे ब्रेड काट लिए हैं। ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, 5 बनाए सिर्फ। और इन्हें हम बेल लेंगे और जो ब्रेड के जो कॉर्नर थे ना हमने काटे हैं, उसका हम चूरा बना लेंगे मिक्सी में पीस कर। और ब्रेड को ऐसे बेलना है हल्के हाथों से। ये देखिए 4 ब्रेड हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने बढ़िया हो गए हैं ना, इस तरीके से आपको बेलना है। और इधर ये देखिए ब्रेड का चूरा बना लिया हमने। और इधर मैं ब्रेड पे लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस, 1 चम्मच। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो ठीक है, वरना आप नॉर्मल टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर हमारी आलू की, ये आलू है हमारी, आलू की फिलिंग्स हम डाल देंगे इसमें, चिपका देंगे अच्छे से। इस तरीके से आप इसे अच्छे से चिपका दीजिए। और हाँ, ज़्यादा आपको मोटा मोटा नहीं लगाना है, थोड़ा पतला लगाना है ताकि ये अच्छे से रोल हो जाए। और अब मैं इस पर, आप चाहो तो इस पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो या काला नमक या चाट मसाला, बट मैंने नहीं यूज़ किया है। और अब मैं इस पर थोड़ा सा ये चीज़, मोज़रेला चीज़ है, मैं इसे ग्रेट करके डालूँगी। आप चाहो तो कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो या छोटे छोटे टुकड़े भी काट के डाल सकते हो चीज़ के। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम हल्के हाथों से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं, अगर थोड़ा सा क्रैक भी हो जाता है ना, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैदे के घोल में जाते ही बिल्कुल आपस में बढ़िया से चिपक जाएंगे। ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ऑयल में जाकर बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसे हम ब्रेड के चूरे में इस तरीके से बिल्कुल डिप कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से लपेट देंगे हम इसे और इसे रखेंगे अलग से एक प्लेट में।
और हाँ, इसे हमें 10-15 मिनट रखना है, उसके बाद ही इसे सेकना है। एकदम से आप इसे चल दोगे फ्राई करने के लिए ना, तो ये अच्छा नहीं होगा, सब निकल जाएगा उसके अंदर, चिपकेगा नहीं। मतलब 10-15 मिनट आप इसे रख दो, छोड़ दो, ताकि अच्छे से उसमें चिपक जाए। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और मैं इसमें 3 डालूंगी। और इसे हल्के हल्के हाथों से आप इसे पलट लीजिए घुमा घुमा कर, ये देखिए। और इसे हमें तेज आंच पर पकाना है और हमें इसे करना है डार्क ब्राउन। इस तरीके से हमें इसे सेक लेना है। आप चाहो तो लाइट ब्राउन भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो, बट मैंने हल्का सा ज़्यादा ब्राउन करा है। ये देखिए इतना कलर ऐसा हो जाए तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्रंची भी हो जाएगा और अंदर तक इसका स्वाद अच्छा से बढ़कर आएगा। ये देखिए अब हम सारे निकाल लेंगे और जो बचे हुए हैं वो भी डाल देंगे। एक ये गोल वाला बनाया मैंने, ट्राई किया है, मैंने कहा चलो एक गोल वाला भी ट्राई कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से इसे भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है घुमा घुमा कर। यकीन मानिए ये आपको इतने टेस्टी लगेंगे ना, इतने टेस्टी लगेंगे, आप कहोगे यार क्या चीज़ बना ली मैंने। आपने जिसे भी खिला दिया ना, ये वो आपकी तारीफ करेगा कि यार कितनी टेस्टी और कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। और इसे हम एक प्लेट में इस तरीके से रखेंगे। अभी बहुत गर्म है ये, थोड़ा ठंडा होने देंगे हम इसे। ये देखिए सारे रख देंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसे कट करेंगे। अभी ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम हल्के हाथों से चाकू से काट लेंगे। और इसमें मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ डाला था, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ डाला था, ये देखिए कितना टेस्टी और यमी है। और दूसरी चीज़ में हम थोड़ा सा डालेंगे, ये है चिली फ्लेक्स, आपके पास है तो ठीक है, वरना आप लाल मिर्च को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।